नमस्कार, एसएमएस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भीम आर्मी के वो संस्थापक हैं जिन्होंने भीम आर्मी का नेतृत्व भीम आर्मी की नींव को रखा था, उपकार बावरा जी। उपकार बावरा जी पहले जो चंद्रशेखर को रूप में देखा जाता, भीम आर्मी के चेहरे में देखा जाता था, उपकार बावरा कहाँ से आया ये बताएं। उपकार बावरा कोई नया नहीं है, समाज के बीच का निकला हुआ बंदा है, समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए समाज ने आज उसको एक पद दिया है, कोई नया नहीं है। 2017 से जब से सबीरपुर कांड हुआ था तब से है। जाकर के पूछें आप समाज के लोगों से कि उपकार बावरा का क्या योगदान रहा है समाज के प्रति, तो बताएंगे आप। क्या कारण है कि चंद्रशेखर ने आपका एक बार भी नाम अपने मन से नहीं लिया? देखिए, एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई, शायद भूल गया मैं, कुछ और पूछ लीजिए। क्या क्या सवाल? कोई बात नहीं, सवाल दोबारा कंटिन्यू है। क्या कारण है उपकार भाई की भीम आर्मी के जो संस्थापक हुआ करते थे चंद्रशेखर, उन्होंने आपका नाम एक बार भी अपने मन से नहीं लिया कि उपकार नाम, उपकार बावरा नाम से भी भीम आर्मी के अंदर कोई है? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो मिशन मूवमेंट में काम नहीं करना चाहते हैं, जो जिनका स्वार्थ छुपा होता है, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आगे ना निकल के आए। यही कारण रहा होगा, जहां तक मुझे पता लगा है कि यही कारण रहा होगा कि उस व्यक्ति ने हमारा या तीन लड़के जो और भी जेल में पड़े हुए उन लोगों का नाम आज तक नहीं लिया। उपकार जी, एक बात बताइए कि ये जो अब बहुजन समाज का बिखराव है, इसको एकजुट करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। युवाओं से मेरा संदेश है कि जो उनका कार्य है वो उस चीज़ को करें, उनका कार्य है वो शिक्षित हों और उच्च शिक्षा ग्रहण करें, दूसरा वो रोजगार के प्रति प्रेरित हों, और किसी के भड़कीले भाषण को सुन करके वो आंदोलनों में ना उतरें। वो आंदोलनों में उतरें परंतु एक देख लें कि भाई कौन सा आंदोलन सही है और किस में मुकदमे लगवाए जा रहे हैं, किस में आप लोगों को जेल जगाई जा रही है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को पढ़ के आगे बढ़ाने की, उनको रोजगार मुहैया कराने की, तो उस पर ध्यान दें। क्या चंद्रशेखर भी आपके साथ रहेंगे या अपनी भीम आर्मी 2 बनाएंगे या क्या रहेगा, उसके बारे में बताएं? देखिए, इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, वो उसकी पर्सनल थिंक है, वो क्या करना चाहेगा वो उस पर डिपेंड करता है। बहुजन समाज के टूटने का कारण होता है कि कई बार लोग अपने अपने गुट बना लेते हैं, गुट वजह से एकत्रित नहीं हो पाते हैं, उसका क्या कारण है और कैसे इन गुटों को एक बना पाएंगे आप? देखिए, हम लोगों ने कोई गुट नहीं बनाया, मैं पहले भीम आर्मी में था, आज भी भीम आर्मी में हूँ। बहुत से लोगों के ऑफर आए मेरे को, बहुत लोगों ने कहा, पार्टी तक के मेरे को ऑफर आए हैं कि भैया आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग जो है दूसरे संगठन बना लीजिए, अपना खुद का संगठन बना लीजिए, परंतु मैंने कहा भैया हमने जहाँ खुंटा गाड़ दिया वहाँ गाड़ दिया, हम दल बदलू लोग नहीं है, बीमारी में खुंटा गड़ गया तो बीमारी में मरना है, बीमारी में खपना है। क्या आप लोग भी राजनीति करेंगे? जबकि चंद्रशेखर ने कहा था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने मोदी को हराने के लिए बहन जी के विपक्ष में तो अपना किला ठोकना शुरू कर दिया था, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं आज अपने पूरे बहुजन समाज से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे होश आवाज में कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। भीम आर्मी कभी राजनीति नहीं करेगी, मैं लिख के देता हूँ, अगर भीम आर्मी में राजनीति होगी तो भीम आर्मी उपकार बावरा नहीं रहेगा, और जब तक उपकार बावरा भीम आर्मी में है, उपकार बावरा भीम आर्मी में राजनीति किसी को करने नहीं देगा। राजनीति करने के लिए हमारे पास पार्टी है, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जी, मैं हम लोग मानेंगे आप भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे या पर्टिकुलर डिफरेंट और पार्टीज को, कांग्रेस बीजेपी कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, समय समय पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन हित में बात करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। चंद्रशेखर रावण भी बहुजन की बात किया करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी बसपा की बात नहीं की, जबकि बसपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, आप चंद्रशेखर से उपकार बावरा की तुलना ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उपकार बावरा तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं डिफरेंसेस पूछ रहा हूं। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हैं, एक प्रमुख के रूप में, इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी बनता है आप लोगों से पूछना। जी जी, एक बार रिपीट करेगा, ये क्वेश्चन जरूरी बनता है उपकार भाई कि आप लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करी, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, जो बहुजन की खुद की पार्टी बनाई हुई है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, हम लोग एक सामाजिक मूवमेंट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, सामाजिक मूवमेंट से हम लोग सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। जो समाज में आर्थिक और जो सामाजिक समानता है वो लेके आ सके, राजनीति से हमारा फिलहाल कोई सरोकार नहीं है।
हमारे साथ विजय भाई भी हैं। विजय भाई, भीम आर्मी से जुड़ने के लिए लोग कैसे संपर्क करें, अगर कोई आपको फाइनेंशियली या आपसे जुड़ना चाहता है या अपने मुद्दों को आपसे शेयर करना चाहता है, तो क्या कोई ऑथेंटिक नंबर आपने दे रखा है, कहाँ पे आपने कार्यालय बना रखे हैं, वो चीज़ हमें बताएं। देखिए, मेरा नाम विजय कुमार आजाद है और मैं भीम आर्मी का मुख्य ट्रस्टी हूँ। भीम आर्मी में जुड़ने के लिए मैंने अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सअप 9458001661 दे रखा है, जिस पर व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर भीम आर्मी की अपनी एक साइट है www.bhimarmygroup.com। इस साइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना सुझाव भी दे सकते हैं, ऑनलाइन सजेशन। और जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में मेंबर जुड़ा है, वो व्यक्ति अपना ऑनलाइन मेंबरशिप चीज चेक कर सकता है। और जो लोग, मैं बचाऊंगा एक नंबर, एक बार नंबर आप दोबारा से बोल दें ताकि सभी लोग अपना लिख भी लें। 9458001661। उपकार भाई, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। भीम आर्मी के ऊपर पैसों को लेके हमेशा विवाद रहा है कि भीम आर्मी ने बहुत सारे पैसों का गोलमाल करा है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? आपके पास किस तरीके से पैसे को ट्रांजिशन दिखाएंगे, और क्या अगर आपके पास जो पैसा आएगा उसको समाज में कैसे लगाएंगे, वो क्या रूपरेखा है उनको, वो भी बताएं आप। उसके लिए विजय आजाद जी आपको जवाब देंगे, क्योंकि विजय आजाद जी ने वो सारा प्लान किया हुआ है। उसके लिए आप विजय आजाद जी सवाल करिए। विजय जी, कैसे करेंगे जबकि भीम आर्मी के ऊपर पैसों का हमेशा गमन का आरोप लगता रहा है? भीम आर्मी की अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर हमने डोनेट ऑप्शंस दिया है, जिसमें 20 अप्रैल 2015 से अब तक जितना पैसा आया है उसकी लिस्ट अपडेट करा दी हमने। साथ ही भीम आर्मी का अपना एक अकाउंट है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट में आप अपना जो भी व्यक्ति हमें अनुदान देना चाहेगा वो अपना डायरेक्ट खाते में दे, जिसका मैं रिकॉर्ड आपको बाई कोरियर भी दे सकता हूँ और बाई प्रिंट भी। उपकार बाबरा जी, आप लोगों ने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।